370 की तरह 341 में भी सुधार करो, 370 की तरह 341 में भी सुधार करो, 341 में मुसलमानों को शामिल 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 करो, 370 की तरह 341 में सुधार करो, 370 की तरह 341 में सुधार करो। नमस्कार, मेरा नाम संदीप सिंह है। इस वक्त हम जंतर मंतर पर हैं। यहाँ पर ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की तरफ से है जो धारा 341 है उसको हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। वो इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि जो दलित मुसलमान है या जो पिछड़े तबके के मुसलमान हैं उनको भी आरक्षण दिया जाए। हमारे साथ मौलाना सरवर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो क्यों इसको हटाने की मांग कर रहे हैं और क्या जो दलित मुस्लिम लोग हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए। सर ये बताइए, आप क्यों इसकी मांग 341 को हटाने की मांग कर रहे हैं? 341 को हटाने की नहीं, अनुच्छेद 341 में जो धार्मिक प्रतिबंध उसको हटाने की हम लोग मांग कर रहे हैं और उसमें मुसलमान को भी शामिल करवाने की बात कर रहे हैं। चूंकि भारत का जो संविधान है उसमें जो फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 14, 15, 16 उसमें एकदम स्पष्ट है कि धर्म के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन इसी देश में 10 अगस्त 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने धर्म के नाम पर प्रतिबंध लगा दिया इस आरक्षण में। जो आरक्षण हमारे यहाँ 3-4 प्रकार के हैं, SC ST OBC, तो OBC में कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं, ST में भी धार्मिक प्रतिबंध नहीं, और अभी जो मोदी जी ने 10% दिया वीकर सेक्शन को उसमें भी कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं। तो जब किसी में धार्मिक प्रतिबंध नहीं तो 341 में यानी कि SC में क्यों, तो ये प्रश्न है। दूसरी बात है कि इतने पवित्र संविधान पर आप इस तरह का प्रतिबंध लगाकर काला धब्बा क्यों लगा रहे हैं? जो संविधान की सुंदरता इससे समाप्त हो रही है, पूरी दुनिया देख रही है, चर्चा है भारत के संविधान का। तो इसलिए हम लोग उस समय से आज तक निरंतर ये मांग कर रहे हैं कि भाई ये प्रतिबंध समाप्त होना चाहिए। और 2004 में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी फाइल कर रखा, लेकिन दुर्भाग्य से 2004 से लेकर 2019 तक जितनी भी सरकारें थी उसमें UPA की 10 साल की सरकार जिसने इसका जवाब कोर्ट को नहीं दिया, कोर्ट ने नोटिस दिया, इशू फ्रेमिंग किया, जवाब नहीं दिया। अभी प्रसन्नता इस बात की है और इसके लिए मैं मोदी जी को बधाई भी दूंगा कि 1 नवंबर 2019 को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने कोर्ट को 87 पेज का जवाब दिया है। उससे एक उम्मीद की किरण जगी है और कोर्ट की प्रक्रिया तेज होगी। तो सरकार को बधाई भी हम दे दें इसके लिए कि उन्होंने जवाब दिया। और सरकार से एक और मांग हम लोग करते हैं, कोर्ट की प्रक्रिया तो चलेगी ही अब, लेकिन सरकार चाहे तो जब 370 में आप सुधार कर सकते हैं जो कि एक बड़ा मामला था और 1954 से यह डिस्प्यूट था और नेहरू जी की गलती थी, तो नेहरू जी की यह भी गलती है। और ये कश्मीर में तो 370 से 1 करोड़ लोग इफेक्टेड थे, यहां तो 14 करोड़ जो है मुसलमान इससे इफेक्टेड है। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि आप जब इतना बड़ा काम कर चुके हैं तो यह काम भी मोदी जी आप कर दीजिए ताकि मुसलमान भी मुख्यधारा से जुड़े और आपका नाम ले। और जो आपका नारा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है, ये मैसेज जाए कि भाई उस नारे का एक हिस्सा हम भी हैं। जितने लंबे समय से जो आरक्षण नहीं दिया जा रहा जो पिछड़े तबके के मुस्लिम है, क्योंकि हर तबके में गरीब और पिछले तबके के लोग आते हैं जो अच्छी एजुकेशन नहीं पा सकते, अच्छा स्वास्थ्य नहीं पा सकते, लगता है कि अगर आपको धारा 341 में से धार्मिक प्रतिबद्धता हटती है तो उससे जो मुस्लिम पिछड़े मुस्लिम है उनको लाभ मिलेगा उसका? देखो, जहाँ तक इसका सवाल है धारा 370, तो हम उसका स्वागत करते हैं। और आज देखा जाए तो दलित समाज के पास न ज़मीन है, न उनके पास साधन है, न उनके न उद्योग उनके पास है, उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ उन केवल एक शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षा प्राप्त करके एक नौकरी पाने के लिए उनके पास एक जगह है। लेकिन इसमें भी जब हम देखते हैं तो इसमें भी दो तरफा खेल है। आज दलित समाज के लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और सरकारी स्कूलों में शिक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। दूसरी बात, देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन अगर देखा जाए तो आज भी दलित, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, दलित और पिछड़ों पर आज भी कोई खास फर्क नज़र नहीं आ रहा है। समाज में यदि अगर
आप समाज के अंदर समाज को स्टेबल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए दलित को उसमें शामिल करना पड़ेगा, तब समाज स्टेबल बनेगा। क्यों? ताकि उनको इस बात का एहसास हो सके कि हम भी इस देश के एक नागरिक हैं, हम भी इस देश के एक इंसान हैं। और इसको इस्टेब्लिश बनाने के लिए ज़रूरी है कि जितने भी इस देश के अंदर लोगों को सम्मान दिया गया, इसी तरीके से दलित मुस्लिम को भी उसमें शामिल करना चाहिए, दलित मुस्लिम को भी उसमें जोड़ना चाहिए, मेरा मानना है। क्या नाम है जी आपका? मैं डॉक्टर जियाउल आलम। आप क्या चाहते हैं कि जो धार्मिक प्रतिबंध है वो हटनी चाहिए या नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग हैं जो आरक्षण दिया हुआ है, चाहे वो दलितों को दिया हो, चाहे SC OBC अलग अलग कैटेगरीज बनाकर दिया हुआ है, बहुत सारे लोग हैं जो अब इसके विरुद्ध खड़े हो गए। उनका मानना है कि आरक्षण है जो धार्मिक को छोड़कर आर्थिक आधार पर देना चाहिए। जी नहीं, ये धार्मिक पे जो आरक्षण लगा हुआ है इसको बिल्कुल हटना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनका मानना है कि जो धारा 341 में धर्म के ऊपर प्रतिबद्धता लगी हुई है कि जो धर्म के नाम पे जो लोगों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा उसको हटाया जाए और जो मुस्लिम समुदाय के दबे दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाए, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, विश्वविद्यालय में लेकर हो, हर तरह से उनको जो आरक्षण दिया जाए ताकि वो अपना जीवन यापन निर्वाह कर सके और आगे आकर समाज में भला कर सके। अगर हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।